300 करोड़। जी हाँ, अपने रिलीज के पहले सप्ताह में ही 300 करोड़ कमा लिए हैं। समझ तो गए होगे मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल की पिक्चर गदर 2 बॉक्स ऑफिस पे थमने का नाम नहीं ले रही है। गदर 2 को जनता बहुत प्यार दे रही है, भारी संख्या में लोग थिएटर जा रहे हैं, कई जगहों पे तो गदर 2 की टिकट के लिए मारामारी होने की भी खबर आ रही है। यानी कि जो हाल गदर पार्ट 1 का हुआ था वही सेम गदर 2 के साथ भी हो रहा है। यहाँ तक कि टिकटें ब्लैक में लोग खरीद रहे हैं। यही वजह रही कि फिल्म ने सातवें दिन में बहुत अच्छी कमाई की। शाहरुख की पठान के बाद साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये दूसरी फिल्म बन गई है। पठान ने भारत में 540 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर केरला स्टोरीज थी, इसका कलेक्शन 242 करोड़ के आसपास था। अगर गदर 2 को पठान के डोमेस्टिक कलेक्शन को टच करना है तो इस वीकेंड उसे बम्पर कमाई करनी होगी। और ऐसा लग भी रहा है कि गदर 2 पठान का यह आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। अगर पठान और गदर 2 को कंपेयर करें तो पठान का बजट 225 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। वहीं गदर 2 का बजट 100 करोड़ के आसपास है और अब तक इसने 300 करोड़ कमा लिए। स्क्रीन्स की बात करें तो पठान को गदर 2 से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि गदर 2 पठान को कड़ी टक्कर दे रही है। खैर, इस सप्ताह कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे में गदर 2 के लिए इस वीकेंड भी खुला मैदान। देखते हैं बॉक्स ऑफिस पे कौन बाजी मारता है। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा, शाहरुख के पठान या सनी की गदर? हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।